पतरातो प्रखंड रामगढ़ जिला का एक बड़ा प्रखंड है जिसमें कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां से स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सेवा के लिए पतरातो CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहां महिला हो या पुरुष मरीजों के लिए हर सुविधा दिया जाता है। आमतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिक स्तर पर कार्य करते हैं जो अक्सर व्यक्तियों परिवारों और समुदायों का स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली ICC के साथ संपर्क का पहला बिंदु होता है। पतरातो स्वास्थ्य केंद्र में क्षेत्र में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर सर्वप्रथम पतरातो स्वास्थ्य केंद्र में लोग पहुंचते हैं और हर तरह की सुविधा का देखभाल किया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र में डेंटल संबंधी बीमारी के देखभाल के लिए डॉक्टर प्रीति कुमारी हमेशा तत्पर रहती है और मरीजों को हर संभव सेवा देती है। लेकिन उनका कहना है कि सरकार हमें इंस्ट्रूमेंट मुहैया कराए पर इंस्ट्रूमेंट के रखरखाव और मरीजों के लैब का कोई सुविधा यहाँ नहीं मिला है। ना हमें कोई अस्थाई टेबल न कुर्सी दिया गया है जिसके कारण आए दिन कोई भी दांत संबंधी बीमारी लेकर आते हैं तो हमें इधर उधर कहीं बेंच पर बैठकर देखना पड़ता है। समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जबकि कुछ दिनों के बाद बगल में ही 100 बेड का एक अस्पताल बन रहा है पर उसे आने में अभी समय लगेगा। अभी वर्तमान में जब भी कोई मरीज आता है तो उसे कोई भी रूम में या बाहर में साधारण कुर्सी पर बैठा कर देखना पड़ता है। सरकार से यह मांग है कि पतरातो CSE में डेंटल के लिए एक लैब की सुविधा की व्यवस्था करें ताकि पतरातो क्षेत्र में आए डेंटल मरीजों को समुचित सेवा मिल सके। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। ये अभी देख रहे थे कि ट्रीटमेंट कर रहे थे पेशेंट को, क्या कर रहे थे? डायग्नोसिस कर रहे थे, कैरियस था तो ये GIC रिस्टोरेशन कर रहे थे। हुआ है क्या आपका कोई अपना लैब और क्या कोई साधन यहाँ पर नहीं है क्या? नहीं, इंस्ट्रूमेंट है, सारा है इंस्ट्रूमेंट, बाकी मटेरियल है। डेंटल चेयर सिर्फ नहीं है, डेंटल चेयर के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई भी किया है और यहाँ हॉस्पिटल बन भी रहा है। रूम की कमी है, रूम की कमी की वजह से यहाँ पे अभी मेरा सारा डेंटल का जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सारा स्टोर रूम में रखा हुआ अभी। अभी तो समस्या होता होगा कहीं आपके पास? हाँ, अभी समस्या होता है, समस्या होता है लेकिन सामान है लेकिन उसका कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है विदाउट डेंटल चेयर का कैसे काम होगा? लेकिन फिर भी उसको ये डायग्नोसिस करके रेफर करते हैं सदर हॉस्पिटल में। वहाँ पे सारा सदर बस ये डेंटल चेयर का कि यहाँ रूम मिल जाए कि थोड़ा सा गरीब लोग को थोड़ा सा सुविधा मिल सके। ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, चेकअप तो हो जाता लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपको सुविधा? हाँ, हम चाहते हैं कि ये डेंटल चेयर यहाँ पे रूम मिल जाए, रूम की सुविधा हो जाए।